नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे जनवरी 2023 के महीने में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, करण वेद, मुंडन, यज्ञोपवीत या फिर सीमंत संस्कार, वधु प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, नया वाहन खरीदना इत्यादि। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो जो भी विषयों के मुहूर्त देखते हैं उन सभी के मुहूर्त इस वीडियो में तारीख, समय, वार के साथ आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ में अगर आप पहले से ही हमारे व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जनवरी 2023 के इन सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। जनवरी 2023 के विवाह के मुहूर्तों की बात करें तो 15 जनवरी 2023 से पहले 14 जनवरी है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का त्यौहार आएगा, उससे पहले खरमास होता है। तो सबसे पहला मुहूर्त 15 जनवरी को प्राप्त होगा। 15 जनवरी 2023 रविवार, माघ कृष्ण अष्टमी तिथि चित्रा नक्षत्र। 16 जनवरी 2023 सोमवार, माघ कृष्ण नवमी तिथि स्वाति नक्षत्र। 17 जनवरी 2023 मंगलवार, माघ कृष्ण दशमी तिथि विशाखा नक्षत्र। 18 जनवरी 2023 बुधवार, माघ कृष्ण एकादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र। 25 जनवरी 2023 बुधवार, माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। 26 जनवरी 2023 गुरुवार, माघ शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। 27 जनवरी 2023 शुक्रवार, माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र। 28 जनवरी 2023 शनिवार, माघ शुक्ल सप्तमी तिथि अश्विनी नक्षत्र। 30 जनवरी 2023 सोमवार, माघ शुक्ल नवमी तिथि कृत्तिका नक्षत्र। और 31 जनवरी 2023 मंगलवार, माघ शुक्ल दशमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। काफ़ी लोगों का प्रश्न होगा कि गुरुजी इनमें से कुछ मुहूर्त है वह हमारे पंचांग में तो नहीं दिए है, आपने कैसे बता दिए? तो उन सभी लोगों के लिए आवश्यक सूचना कि यहाँ पर भारत के गणमान्य पंचांगों से संकलित मुहूर्त है। इसमें गुजरात के पंचांग के भी मुहूर्त रहेंगे, उत्तर प्रदेश का पंचांग भी रहेगा, मध्य प्रदेश का भी रहेगा। अगर आप आपके प्रदेश के हिसाब से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। सगाई के मुहूर्तों की बात करें तो 18 जनवरी 2023 बुधवार, माघ कृष्ण एकादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र। 25 जनवरी 2023 बुधवार, माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। 26 जनवरी 2023 गुरुवार, माघ शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। 30 जनवरी 2023 सोमवार, माघ शुक्ल नवमी तिथि कृत्तिका नक्षत्र। 31 जनवरी 2023 मंगलवार, माघ शुक्ल दशमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। वधु प्रवेश के मुहूर्तों की बात करें तो 16 जनवरी 2023 सोमवार, माघ कृष्ण नवमी तिथि स्वाति नक्षत्र। 19 जनवरी 2023 गुरुवार, माघ कृष्ण द्वादशी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र। 26 जनवरी 2023 गुरुवार, माघ शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। और 27 जनवरी 2023 शुक्रवार, माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र। अब सीमंत संस्कार के मुहूर्तों की बात करें, जिसे बेबी शावर भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि खरमास हो या कोई भी हो, इसमें मुहूर्त आपको देखने मिलता है, क्योंकि यह एक सीमित समयावधि में करने का संस्कार है। अगर सीमंत के बारे में आपको डिटेल्ड में जानकारी चाहिए तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से आपको सीमंत संस्कार की डिटेल्ड में जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। सीमंत के मुहूर्तों की बात करें तो 1 जनवरी 2023 रविवार, पौष शुक्ल दशमी तिथि अश्विनी नक्षत्र। 3 जनवरी 2023 मंगलवार, पौष शुक्ल द्वादशी तिथि कृत्तिका नक्षत्र। 5 जनवरी 2023 गुरुवार, पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथि मृगशीर्ष नक्षत्र। 22 जनवरी 2023 रविवार, माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि श्रवण नक्षत्र। 24 जनवरी 2023 मंगलवार, माघ शुक्ल तृतीया तिथि शततारा नक्षत्र। 26 जनवरी 2023 गुरुवार, माघ शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। 29 जनवरी 2023 रविवार, माघ शुक्ल अष्टमी तिथि भरणी नक्षत्र। और 31 जनवरी 2023 मंगलवार, माघ शुक्ल दशमी तिथि
रोहिणी नक्षत्र सीमंत के अगर कोई भी प्रश्न है तो जैसे पहले बताया आई बटन वाले वीडियो से आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। यज्ञोपवीत संस्कार की बात करें तो 25 जनवरी 2023 बुधवार माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, 26 जनवरी 2023 गुरुवार माघ शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, 27 जनवरी 2023 शुक्रवार माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र और 31 जनवरी 2023 मंगलवार माघ शुक्ल दशमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। मुंडन संस्कार के मुहूर्तों की बात करें तो 19 जनवरी 2023 गुरुवार माघ शुक्ल द्वादशी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र और 27 जनवरी 2023 माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र। कर्ण वेद या फिर नासिका छेदन की बात करें तो 27 जनवरी 2023 शुक्रवार माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र। अब कुछ नई खरीदना चाहते हैं, नई चीज आपको खरीदनी है, प्लॉट हो या फिर कुछ भी नया खरीदना हो तो उनके मुहूर्तों की बात करें तो 24 जनवरी 2023 मंगलवार माघ शुक्ल तृतीया तिथि शततारा नक्षत्र और 27 जनवरी 2023 शुक्रवार माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र। यहाँ पर खरीदना का मुहूर्त है, रजिस्ट्रेशन का मुहूर्त नहीं है। रजिस्ट्री कैसे करनी है, उसका मुहूर्त क्या होता है, वह जानकारी चाहिए तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से आपको जानकारियां मिल जाएगी। नींव या फिर भूमि पूजन के मुहूर्तों की बात करें, शिलान्यास के मुहूर्तों की बात करें तो 18 जनवरी 2023 बुधवार माघ कृष्ण एकादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र और 27 जनवरी 2023 शुक्रवार माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र। अगर पूरे साल के जो ये बुधवार आया शुक्रवार है तो नींव पूजन के वार की आपको जानकारी चाहिए, किस वार में नींव पूजन किया जाए तो क्या फल है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से आपको डिटेल्ड में जानकारियां ग्रंथों के प्रमाणों के साथ मिल जाएगी। अब गृह प्रवेश के मुहूर्तों की बात करें तो 18 जनवरी 2023 बुधवार माघ कृष्ण एकादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र, 21 जनवरी 2023 शनिवार माघ कृष्ण अमावस्या तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 26 जनवरी 2023 गुरुवार माघ शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, 27 जनवरी 2023 बुधवार शुक्रवार माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र और 28 जनवरी 2023 शनिवार माघ शुक्ल सप्तमी तिथि अश्विनी नक्षत्र। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो 15 जनवरी 2023 रविवार माघ कृष्ण अष्टमी तिथि चित्रा नक्षत्र, 18 जनवरी 2023 बुधवार माघ कृष्ण एकादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र, 22 जनवरी 2023 रविवार माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि श्रवण नक्षत्र, 23 जनवरी 2023 सोमवार माघ शुक्ल द्वितीया तिथि धनिष्ठा नक्षत्र और 26 जनवरी 2023 गुरुवार माघ शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। आपने देखा होगा 26 जनवरी 2023 का मुहूर्त प्रत्येक विकल्प में देखने मिल रहा है, जो कोई भी है सब में 26 जनवरी का मुहूर्त है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन वसंत पंचमी का त्यौहार है। वसंत पंचमी का अबुझ मुहूर्त होता है, उसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी चाहिए क्योंकि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही सबसे बड़ा प्रश्न है वसंत पंचमी में, कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो उसके विषय में जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो वीडियो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जल्द ही वसंत पंचमी के ऊपर शास्त्रीय चर्चा आने वाली है। व्यापार के मुहूर्तों की बात करें तो 14 जनवरी 2023 शनिवार माघ कृष्ण अष्टमी तिथि हस्त नक्षत्र, 15 जनवरी 2023 रविवार माघ कृष्ण अष्टमी तिथि चित्रा नक्षत्र, 18 जनवरी 2023 बुधवार माघ कृष्ण एकादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र, 26 जनवरी 2023 गुरुवार माघ शुक्ल पंचमी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, 27 जनवरी 2023 शुक्रवार माघ शुक्ल षष्ठी तिथि रेवती नक्षत्र और 28 जनवरी 2023 शनिवार माघ शुक्ल सप्तमी तिथि अश्विनी नक्षत्र। तो यह थे जनवरी 2023 के सभी शुभ मुहूर्त। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसे कि पहले बताया, इसमें भारत के गणमान्य पंचांगों से संकलित किए गए मुहूर्त है। अगर आप अपने प्रदेश के हिसाब से आपकी राशि कुंडली के हिसाब से मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको व्यक्तिगत जानकारियां आपकी दी जाएगी, मुहूर्त आपकी राशि कुंडली के हिसाब से आपको बताया जाएगा। अन्य और कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि विवाह किस महीने में किया जाए, उसका क्या फल है, क्योंकि विवाह के हर एक महीनों का अलग अलग फल होता है। विवाह के महीनों का फल जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें
और धन अगर आपका कहीं अटक गया है, पैसा फंस गया है, वो निकल नहीं रहा है, या फिर कर्जा बढ़ गया है, आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, तो उसका निकाल कैसे करें, उसकी जानकारी के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।